ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं टाइफाइड मुक्त भारत। आजकल मेरे क्लिनिक पर ज्यादातर लोग आते हैं टाइफाइड नहीं होता, टाइफाइड से परेशान, टाइफाइड से मुक्त राष्ट्र कैसे हो, टाइफाइड हमारे देश से कैसे मुक्त हो। मैं इसमें अपने टिप्स देने जा रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। सबसे पहले हम जानते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक इन दिनों में खास करके होने वाली है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में कई सालों तक भी रह सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। ये हमारे शरीर में कंटेमिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी, कंटेमिनेटेड फूड, प्रदूषित खाद्य पदार्थ, रोगी के द्वारा सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, लीकेज ऑफ सीवरेज, ये इनके मुख्य कारण है टाइफाइड के फैलने। पानी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पानी। मैं अपने सारे राष्ट्र प्रेमी दुनिया के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, पानी बॉयल करके लें, पानी बॉयल करके लें। हमारी समस्या तभी आती है जब हमने कहीं ट्रेवलिंग करना होता है, आउटिंग करनी होती है। पानी अपने साथ कैरी कर, इतना पॉसिबल नहीं है आपने 10 दिन ले बाहर रहना है इतना पानी आप कैरी कर सके। पानी कार्बोनेटेड जूस करें, मिनरल वाटर जूस करें, ऐसा पानी कभी भी इस्तेमाल ना करें। जब भी आप ट्रेवलिंग के लिए जाएं, आपको टाइफाइड का सिंगल शॉट इंजेक्शन स्टेन है, जो आजकल ओरल कैप्सूल फॉर्म में भी आ रहा है, एक कैप्सूल अल्टरनेटिव डे पर 4 दिन 4 कैप्सूल लेने पड़ते हैं, एक दिन छोड़ करके। जब भी आप किसी यात्रा पर निकलें, तो जहां सिंगल शॉट टाइफाइड का टीका, जहां कैप्सूल फॉर्म में एक दिन छोड़ करके 4 कैप्सूल। खाद्य पदार्थ, ये भी एक मुख्य वजह है। गर्मियों में, खास करके रेनी सीजन में, उतनी चीज बनाएं जितनी आपने कंज्यूम करनी है। दोपहर का खाना दोपहर को ही इस्तेमाल करें, यदि बच जाता है तो आप उसे अच्छी तरीके से फ्रिज में रखें, शाम तक इस्तेमाल शुरू कर लें, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल मौसम में गर्मी और आर्द्रता है, भोजन बड़ी जल्दी स्टेक बासी हो जाता है, ये बासी भोजन ही टाइफाइड का कारण बनता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि रा कच्ची सब्जियां और फल धोए बगैर कभी ना खाएं। कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, खासकर सब्जियां और फल कभी भी धोए बगैर ना खाएं। यदि आप सब्जियां या फल खा रहे हैं गर्म पानी करके, कोल्ड
कौन सा पाउडर, उसके धोएं, खुसता है उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा मिला ले धोएं, ताकि टाइफाइड के कीटाणु से मुक्त हो। हमारी एक आदत है, मैं खुद भी उनमें से हूं, जब भी कोई चीज लेने जाता हूं, कोई फ्रूट लेने जाता हूं, बस एक उसे कहता हूं मुझे दिखा दे कैसा है, बगैर धोए खा लेता हूं। मैं भी उनमें से हूं, उनमें से कितने बैक्टीरिया मेरे अंदर चले गए मुझे भी इस चीज का इलम ही नहीं होता। मैं अपने सारे बंधुओं से अनुरोध करता हूं मेरे जैसे ना बनो। कभी भी कोई फल सब्जी लो, उसे कभी भी धोए बगैर, अच्छी तरह धोए बगैर कभी भी मुंह में नहीं डालना। खाना खाने के से पहले 20 सेकंड के लिए हाथों को अच्छी तरह धोना है। खाना खाने से पहले 20 सेकंड के लिए हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोना है, ये बहुत ही जरूरी है। रोगी के द्वारा, जब हम रोगी के कंटेक्ट में आते हैं, रोगी से फैल सकता है। टाइफाइड जांत्र ज्वर के जीवाणु बैक्टीरिया हमारे मल मूत्र के मार्ग द्वारा एस्क्रीट बाहर निकलते हैं। उनके मल मूत्र को अच्छी तरीके से, उनका एस्क्रीशन से उनका डिस्पोज ऑफ होना बहुत ही जरूरी है। मैं आजकल ये देखता हूं, रोज ही निकलता हूं, दो तीन हमारे गली मोहल्ले में दो तीन सेप्टिक टैंक सीवरेज के होल लीक कर रहे होते। क्या आपने सोचा है कि कितने कीटाणु हम अपने जूतों के द्वारा या चप्पल के द्वारा कैरी कर? क्या हमें समझ नहीं है, क्या हम जानते हुए भी बेवकूफ बन रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ। क्या हेल्थ के लिए कोई लाइव डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये हमारे राजनेताओं का, ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करें, हेल्थ के प्रति अवेयर। पेशेंट्स रोगी के द्वारा, जो आम लोग वेंडर्स गली मोहल्ले में मोमोस टिक्कियां नूडल्स बर्गर बेच रहे हैं, क्या वो टाइफाइड से पीड़ित तो नहीं है? मैं दावे के साथ कर सकता हूं होंगे। क्या उनके नियमित जांच की जरूरत नहीं है? है, उनका पेशा है, उन्होंने रोटी खानी है इसे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, उनके नियमित जांच, कहीं वो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को टाइफाइड तो नहीं बांट रहे? क्या वो अपने हाथों को अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं मल मूत्र त्यागने के बाद? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पैल्सिस, छाती के हाल में 2,000 लोग आते हैं, वो शौचालय के नाम पर, कितने शौचालय होते हैं खराब, पानी नहीं, 2,000 लोग, उनमें से 100 कुक 100 बेटर, कुक और बेटर जब बेचारे जितने 2,000 लोग कहां जाएंगे? क्या आपने सोचा है कि वहां साबुन है? कुक और बेटर, या हम सब
जो वहाँ इतना खाना बड़े आराम से खा रहे होते हैं, क्या सोचा है उसमें हमें कितने टाइफाइड के बैक्टीरिया हम खा रहे हैं, क्या उनके हाइजेनिक कंडीशंस क्या होगी, क्या वो मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे, जितने कुक हैं या जितने भी आपके वेटर्स हैं, क्या वो मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे? ये त्याग करेंगे, साबुन नहीं है तो हाथ कैसे धोएंगे? कितने लोग उससे प्रभावित होंगे? खेत का विषय है, खेत का विषय, बहुत खेत का विषय। इसलिए टाइफाइड इन दिनों में महामारी के रूप में फैलता है। हमें जागरूकता की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि हम टाइफाइड मुक्त भारत, टाइफाइड मुक्त राष्ट्र, टाइफाइड मुक्त दुनिया की कल्पना कर सके। हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है, हम सबको शिक्षा की जरूरत है, ऐसी शिक्षा जो हमें बीमारियों से बचाव सिखा सके, बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी को कैसे रोकना है, हम जान सके। धन्यवाद।